हेलो एवरीवन, अब्बास शबीर और मोहसिन एजाज आपकी खिदमत में हाजिर हैं। क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, आईपीएल में दो बाउंसर्स की इजाज़त मिल गई है जी। ये भी मोहसिन भाई से इस वीलॉग में बात होगी। सेंट जॉर्ज पार्क आज दूसरा वनडे, विकेट कैसी है? विकेट कैसी होनी चाहिए जी आज? विकेट वहाँ पर कैसी होगी? इंडिया को कैसे खेलना चाहिए? इंडिया तो हर फॉर्मेट वैसे आउट क्लास है, पावे पहले बैटिंग कर ले या बाद में बैटिंग कर ले। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स चले यहाँ से शुरू करते हैं, आपको बताता हूँ। इस सेंट जॉर्ज पार्क के 42 वनडेज हुए हैं अभी तक, यहाँ पे 42 में से वो जो 20 वनडेज हैं वो पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है और 21 जो है वो बाद में बैटिंग करने वाली, एक का कोई रिजल्ट नहीं रहा। तो ये बिल्कुल इवनली बैलेंस्ड है, आप पहले बैटिंग करें या बॉलिंग करें। लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है, ये जरा बॉलिंग फ्रेंडली है बाज भाई। अगर एवरेज स्कोर देखें ना इस ग्राउंड पे तो वो 200 है, तो ये बॉलिंग फ्रेंडली है। स्पेशली शुरू में तो इतना फील नहीं होता, लेकिन जूं जूं इनिंग्स आगे बढ़ती है ना सेंट जॉर्ज पार्क में, तो स्पिनर्स को भी हेल्प मिलती है, फास्ट बॉलर्स को भी हेल्प मिलती है, अन ईवन बाउंस है। और पिछले 12 साल से ये ODI ऐसा वेन्यू है जहाँ पे 300 स्कोर नहीं हुआ। सही, पिछले 12 साल में यहाँ पे जितने वनडेज हुए उनमें 300 नहीं हुआ। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और भी है इस ग्राउंड का, इस ग्राउंड में पता है सबसे हाईएस्ट स्कोर किस टीम का है? पाकिस्तान का 356 विकेटों पे। वाह 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 वाह, पाकिस्तान ने उतने हाईएस्ट किया है। अच्छा खैर, मेरे ख्याल में उसकी एक वजह ये है ना कि पहले जब आप बॉलिंग करते हैं और आपके पास एक छोटा टारगेट होता है तो आप मेंटली थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं कि यार आपको पता है। लेकिन पहले बैटिंग करते हुए आपको उस तरह से आइडिया नहीं होता कि हमने करना क्या है, आप क्ल्यूलेस होते हैं। और ऐसी कंडीशंस में जहां पे अन इवन बाउंस हो, जैसा वर्ल्ड कप फाइनल में हुआ, इसी तरह ही है कि एक छोटा टारगेट था इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ने उसका एडवांटेज लिया क्योंकि उन्हें पता था कि यार एक भी पार्टनरशिप लगती है ना जहां पे 225 स्कोर हो, एक पार्टनरशिप भी लग जाए अच्छी तो आप मैच ले जाते हैं। बड़ी टीमें जो है वो बड़ी पार्टनरशिप भी लगाती है, पाकिस्तान तो नहीं लगा सकती, लेकिन इंडिया टीम में एबिलिटी है कि एक अगर आउट होता है तो दूसरा तीसरा। लेकिन एक चीज और है बस भी, मेरा नहीं ख्याल कि साउथ अफ्रीका जहाँ पे इस वक्त जो उनके हालात हो चुके हैं वहाँ से वो वापस कर सकते हैं। देखें, इसके लिए साउथ अफ्रीका का इस वक्त जो बड़ा चैलेंज है ना वो है कि सीरीज को अलाइव रखें। 3 मैचों की सीरीज है, पहला वो वन साइडेड हार गए, 16 ओवरों में चेज करवा दिया। अर्शदीप सिंह, आवेश खान, मुकेश, मतलब ये यहाँ आने से पहले वनडेज में इनकी कोई आपस में ऑल टुगेदर कोई 7 विकेटें थी ODIs की, और कैसे रिस्ट्रिक्ट किया इन्होंने पहले मैच में, 5 विकेटें ले ली उसने अर्शदीप ने, 4 ले ली आवेश ने। और अब जो दूसरा वनडे है मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका के लिए बड़ा मुश्किल होगा वापसी, लेकिन जाहिर है होम ग्राउंड है उनका और फाइट तो वो देंगे। लेकिन अगर यहाँ से वो आज नहीं जीतते तो इंडिया सीरीज़ डेफिनेटली, जाहिर है 3 मैचों की सीरीज़ है तो वो फिर एक डिसाइसिव लीड हो जाएगी उनकी और टेस्ट सीरीज़ से पहले जो है ये एक बड़ा इम्पैक्टफुल होगा। लेकिन जिस तरीके से ये यंगस्टर्स खेल रहे हैं आउटस्टैंडिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये किसी भी कंडीशंस में, मतलब देखें ये किसी भी आप कंडीशंस में जाके इस तरह परफॉर्म करना ये कभी भी आसान अब्बास भाई नहीं होता। और मेरे ख्याल में ये जो दूसरा वनडे है आज 4 बजे शुरू हो रहा है, अगर जो भी टीम टॉस जीतेगी उसे पहले बॉलिंग करनी चाहिए। मैं कहता हूँ यार मोहसिन भाई, इंडिया की टीम जो है ना वो आउटस्टैंडिंग टीम है। आप उनका कोई भी डिपार्टमेंट निकाल के देख लें, आप उनकी फील्डिंग देख लें, आप उनकी बॉलिंग देख लें, स्पिन बॉलिंग, आप उनकी बैटिंग देख लें, ठीक है, और आप उनकी बेंच स्ट्रेंथ देख लें, क्योंकि सारे प्लेयर तो रेस्ट के ऊपर है उनके, लेकिन आप उनका देखें टैलेंट कितना है उनमें। साउथ अफ्रीका यार प्लेयर्स पावर नहीं है, प्लेयर्स ब्लैकमेल नहीं करते क्रिकेट बैट को, ये भी मैं बात करूंगा। लेकिन पहले दो बाउंसर्स वाले, दो बाउंसर जो आईपीएल के अंदर, यार बास भी बड़ा कमाल है, उसकी एक वजह है। देखिए क्रिकेट जो है ना वो प्रेशर, वो अब आपको वो बैट्समैन की गेम बन गई है, T20 स्पेशली टोटली। अब देखिए अच्छे से अच्छा बॉलर है उसको यूं मार पड़ रही है कि पता ही नहीं चल रहा कि इसके साथ हुआ क्या है, उसकी कोई स्किल ही नहीं रह गई, उसके पास कुछ रह ही नहीं गया। लेकिन दो बाउंसर जब आएंगे ना तो बैट्समैन, देखें एक बाउंसर लेट्स से अगर एक स्लोअर बाउंसर फास्ट बॉलर यूज़ करता है, स्लोअर बाउंसर उसने यूज़ किया तो बैट्समैन अगर वो पहले हाफ में पहले 3 बॉलों में कर लेता ओवर में तो उसके बैट्समैन के जहन में हो गया कि दूसरा फास्ट बॉलर, दूसरा बाउंसर भी मारेगा, फास्ट बॉलर कभी भी कर सकता है। तो ये जो कॉन्टेस्ट है ना ये बड़ा बैलेंस, ये बड़ा इंडिया का एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, जिस तरह हमारा काय ट्रॉफी है उनका है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, उसमें इसका ट्रायल हो चुका है एक दफा। अच्छा, ये आईपीएल में पहली दफा करने लगे हैं और ये एक बड़ा जबरदस्त है। देखिए बॉलर्स पिट रहे हैं, जो फॉर्मर बॉलर है वो कहते हैं इसको कॉन्टेस्ट को
बराबर करो यार, ये बैट्समैनों का खेल बन गया क्रिकेट। और बाउंसर से बैट्समैन प्रेशर के अंदर आते हैं, आप देखें ना, और स्पेशली वो बैट्समैन जैसे हमारे इमाम भाई हैं, हाँ। जिनको बाउंसर खेलना नहीं आता वो तो एक बाउंसर तो कुछ बड़ा मसला है उनके लिए, तो एक बाउंसर बड़ा मसला है, जब दो बाउंसर आ जाएंगे तो फिर तो जो है वो बड़ा मसला इमाम को सिर्फ सेल्फियां लेने आती है, तस्वीरें बनानी आती है, क्रिकेट क्रिकेट कोई नहीं आती, ऐसे जबरदस्ती दबे आया टीम है। चलो सही बात है। अच्छा आईपीएल भी हो गया, IPL हो गया लेकिन बड़ा अच्छा, बस चले हल्की सी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस पे बात करें कि मेलबर्न टेस्ट यार, मैं एक कितना मुश्किल होगा। सवालात भी आए हैं बाज भाई, तो यार मोहसिन भाई, मोहसिन भाई आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये वही मोहसिन है जी, आप लोगों ने कमेंट्स किए थे कि मोहसिन वर्सेस मोहसिन, मुझे बड़ा अच्छा लगा, लोगों को याद है जी, बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं, ये वही मोहसिन है जी, और असल जो है वो जो प्लेटफॉर्म बिल्डअप किया था वो छोटे मोहसिन ने किया था, फिर वो भी भाई है हमारे, लेकिन वो किसी और स्टेज के ऊपर निकल गए, फिर हम जरा कुछ सियासी एक्टिविटीज के अंदर मसरूफ हो गए, स्पोर्ट्स की वजह से हमने खुद ही थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज की वजह से, हम फॉलो तो हर वक्त करते थे, इवेंट्स भी कवर करते थे, तो ये वही मोहसिन है, आप लोगों के बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किए थे कि यार मुझे बड़ा अच्छा भी लगा, सारे पूछ रहे हैं और उन्हें याद है, थैंक यू वेरी मच जी। तो अब्बास भाई, अब ये दो टॉपिक्स हो गए, सवाल आज कुछ शामिल करते हैं करें, लेकिन उससे पहले ये जो कल ऑडियो एक लीक हुई है जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की, जिसमें वो पाकिस्तान टीम की जो प्लेयर्स पावर है, जो कप्तानी के इश्यूज हैं, जो बाबर आजम रिजवान और उनके जो प्लेयर्स के जो एजेंट्स हैं, इसके हवाले से गुफ्तगू नजर आ रही है उस ऑडियो में। अब्बास भाई मैं ये सवाल आपके आगे रखना चाहूँगा कि क्या एक मुल्क की क्रिकेट से, एक मुल्क से ज्यादा ये प्लेयर्स की अहमियत है? मुझे ये बताएं कि क्या बाबर आजम बड़े हैं या पाकिस्तान की क्रिकेट बड़ी है, या रिजवान बड़े हैं या पाकिस्तान की क्रिकेट बड़ी है? मैं तो जी ज़का अशरफ साहब को ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बड़ी मसलियत से काम लिया, उन्होंने प्लेयर्स की इज्जत रखी, प्लेयर पावर्स उनके सामने आ चुकी थी, मैं उनको सलूट करता हूँ कि ठीक है ये ऑडियो लीक हो गई, लेकिन इस ऑडियो लीक के चक्कर में बहुत सारे लोग एक्सपोज हो गए। ये जो सोशल मीडिया पे एक तूफान बरपा है, ओ भाई प्लेयर पावर्स है पाकिस्तान में, ये प्लेयर्स ब्लैकमेल करते हैं क्रिकेट बोर्ड को, इन्होंने वर्ल्ड कप पर जाने से पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ब्लैकमेल किया है, बाबर आजम जो कि किंग किंग कहते हैं, लेकिन वो जो कमेंट्स के अंदर लोग कहते हैं ये प्लास्टिक का किंग है, अब मुझे समझ आया कि इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ये वाकई प्लास्टिक के किंग है। और मैं समझता हूं कि ये जो एक्सपोज हुए हैं, ये बहुत अच्छा हुआ है कि ये एक्सपोज हुए हैं, पावे ऑडियो मैसेज के जरिए एक्सपोज हो गए। ज़का साहब को तो ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, किस सूरत हाल से क्रिकेट बोर्ड और ये खिलाड़ी गुजर रहे हैं। जब बाबर आजम वर्ल्ड कप पर जाने से पहले ये ब्लैकमेलिंग कर रहे थे तो बात करते थे, बाहर निकल आते थे और फोन पर वो जो तला साहब है उनसे बात करते थे, 30% कमीशन का मामला है, ये कोई मुफ्त, ये कोई मुफ्त गेम नहीं है। और अच्छा रिलेटेड सवाल भी निकाल रहा हूँ, आप कंटिन्यू करें। और ये जो लोग इतने सोशल मीडिया पर बातें कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त, ये सिर्फ और सिर्फ इनको दौरे चाहिए थे, इनको दौरे नहीं मिले। अफगानिस्तान सीरीज जब हुई, जब ज़का अशरफ आए तो बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से अफगानिस्तान इनको भिजवा दिया जाए, फिर एशिया कप आया, एशिया कप में इन्होंने बड़ी कोशिश की, फिर वर्ल्ड कप आया, वर्ल्ड कप में बड़ी कोशिश की, फिर ऑस्ट्रेलिया सीरीज में बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से इनका दाव लग जाए। अगर इनका दाव लग जाता तो ये ज़का अशरफ के गुन गाते, ये नजम सेठी के खिलाफ बात क्यों नहीं करते? क्योंकि नजम सेठी ने दो PSL में हजारों डॉलर्स बल्कि लाखों डॉलर्स जो है वो सहाफियों में बांटे, इसलिए नजम सेठी के हवाले से कोई बात नहीं करता, ज़का अशरफ के लिए इसलिए ये खुल के बात करते हैं। मैं देख रहा था कुछ हमारे यहाँ के दोस्त हैं, कुछ लाहौर के, कुछ कराची के, वो ऐवें अन्य फायर मार रहे थे, और ये वही लोग हैं बाखुदा, मैं हक सच की बात करता हूँ, कि मुझे मैसेज किया करते थे कि ये दौरा करवा दें, मेरे पीछे पड़े हुए थे, मैं कहता था यार मैं को अथॉरिटी हूं, आप ज़का साहब से खुद बात करें, ये ज़का साहब को मैसेज करते थे, वो जो हाथ इमोजी में वो हाथ नहीं जोड़ते, yes, yes. वो इस तरह के वो मैसेज किया करते थे। और यहाँ के दोस्त भी ये जो बड़े लिख रहे हैं, अन्य फायर मार रहे हैं, कभी यकीन करें ग्राउंड के अंदर क्रिकेट भी नहीं देखी इन लोगों ने, सिर्फ दौरों के चक्कर में। मोहसिन साहब ये जो चक्कर इस वक्त चल रहा है ना, अच्छा जो हम ऑडियो लीक की बात कर रहे थे, बहुत जबरदस्त बात की है, पूरी दुनिया में एक प्लेयर का एक एजेंट होता है, यहां पर 8 खिलाड़ियों का एक एजेंट है, और पाकिस्तान की क्रिकेट कंट्रोल कर रहा है वो, पाकिस्तान की क्रिकेट, और वो खिलाड़ियों के जरिए क्रिकेट बोर्ड को ब्लैकमेल कर रहा है, और खिलाड़ी है एटीट्यूड के चक्कर च, ये मनी के चक्कर च, ये मोहब्बे वतन नहीं है, और इनकी ये इनकी इनकी दुम पे पैर क्यों आया है?
ये अब परफॉर्मेंस बेस्ड सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बन गए, अगर इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो इनको इंक्रीज मिलेगा, जब परफॉर्मेंस कम होगी तो डिक्रीज होगा। मैं रेलेवेंट सवाल भी पुट अप करने लगा हूं परफॉर्मेंस। अब एक भाई है हमारे, उन्होंने सवाल किया कि जी सिकंदर बख्श से इमामुल हक इज द बेस्ट फॉर, सिकंदर बख्श भी उसी तरह का इमामुल हक की तरह का कैरियर है उसका भाई, ये इसलिए दोनों एक जगह गई है, वो भी खिला करा लो उसको लूबी बैग है यार बात नहीं। अच्छा एक भाई कह रहे हैं सॉफ्ट स्पोकन नाइस पर्सन, गुड टू सी मोहसिन इजाज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ये थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा आवाज भाई एक सवाल ये आया है कि ये बताएं कि ये भी इमामुल हक के ऊपर ही है सवाल, वो कह रहे हैं कि इमामुल हक मुसलसल पाकिस्तान, मतलब वो आप उनके लिए शारजा की और पिंडी के पीछे साथ ले जाया करें, ये मुमकिन है? कोई जहाज शहाज जगह हो सकती है ड्रॉप इन कर लिए पिंडी दी पिच किसी जगह पर? मैं तो कहता हूँ वो जो पिंडी दी पिच पर जाके रख दे दुबई की, वो हो सकता है कि जो मैचेस बाहर है ना दुबई के अंदर खिला लिया जाए, क्योंकि इमामुल हक दुबई की बैटिंग दुबई में कराए, दुबई इस तरह हो गई इमामुल हक की बैटिंग आप दुबई में या पाकिस्तान में करवा ले, बाकियों की बैटिंग आप उधर करवा ले, इस तरीके से मैच हो सकता है। और ये बाबर आजम किंग मिंग जो है ये परफॉर्मेंस, ये पाकिस्तान के लोगों ने इनको किंग बनाया है, लोगों को पता नहीं इनकी असलियत क्या है, ये पीछे है क्या असल में? ओ भाई ये पैसों के चक्कर में क्रिकेट बोर्ड को ब्लैकमेल करते हैं। देखें ना एक सवाल है कि इंस्टेड ऑफ फॉरेन कोचेस पाकिस्तान शुड कैरी पाकिस्तान इन शारजा पिचेस विद देम, यार ये सिर्फ इमामुल हक की वजह से ऐसे जो है वो बातें हो रही हैं मेरे ख्याल में। देखें मैं तो कहता हूं पता है क्या होना चाहिए, चेयरमैन कोई भी हो क्रिकेट बोर्ड का, ये खिलाड़ी परफॉर्म ना करे ना इनको उठा के बाहर फेंके, बड़ा पीछे पीछे बड़े प्लेयर्स हैं हमारे पास भाई, बड़े प्लेयर्स हैं हमारे पास, ये कब तक ये लेबल ले लेके फिरते रहेंगे आप, किंग का तो क्वीन का तो ये जोकर का, ये सारे जोकर क्वीन किंग ये हमारे पास ही हैं सारे इसी यार आप देखें मोहसिन भाई के सारे नाम यार मोहसिन भाई आप देखें इंडिया साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड अफगानिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका, किसी मुल्क की क्रिकेट में ये नहीं हो रहा जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, खिलाड़ी ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब मैं आपको बता, ये आपने जो बात की ना किंग क्वीन और जोकर वाली, बात भी देखें दुनिया भर में प्लेयर्स होते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने कभी कहा कि हमारा पैट कमिंस वर्ल्ड नंबर वन है, वर्ल्ड चैंपियन है, सुने सुने उन्होंने कभी कोई, वो परफॉर्म करता है, हमारी जब परफॉर्म करने की बारी आती है तो किंग क्वीन सारे पतली गली से निकल लेते हैं बस पैसा दे दो इन्हें, इश्तियारा दे होते हैं ना कमर्शियल क्रिकेट खिला लें इश्तियारे। बहरहाल जी हैट्स ऑफ टू जका साहब, ये अच्छा हुआ कि ये ऑडियो लीक हो गई, ये पूरे प्लेयर तो एक इफेक्ट दिखा रहे हैं और फिर तो जिससे भी बात कर रहे हैं और मैं कह रहा हूं भाई मैं कह रहा हूं कि एक्सपोज हो गए। मैं तो ये चाहता हूं कि जका अशरफ खुल के ये जो प्लेयर कर रहे हैं, जो प्लेयर पावर और ये जो ब्लैकमेलिंग है, ये इस अवाम और कौम के सामने खुलकर सामने लेकर आए। जका साहब मसलियत से काम ना लें, खुलकर आए बताएं कि ये आपको किस मुश्किलात का सामना है। एक क्रिकेटर अच्छा जका आखिरी बस जकाशव जिसे नॉमिनेट हुए तो एक क्रिकेटर है अपने आप लेजेंड कहता है, एडा वड्डा बूके लैके ना जकाशव के कमरे च आ गया, मैं उधर बैठा होता सुने आते ना कहते मुझे सारी क्रिकेट दे दें, सारी क्रिकेट मेरे हवाले कर दें, और जब उसको नहीं मिली तो आजकल वो ट्विटर के ऊपर खुद लिख नहीं सकता, वो लोगों से अंग्रेजी लिखवा के ट्वीट करवाता है। तो इस तरह के लेजेंड है पाकिस्तान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई जॉब सेंटर नहीं है, जॉब सीकर्स यहां से दूर रहे और मेहरबानी करें यार पाकिस्तान और दौरे वाले साफी भी जरा मेहरबानी करो थोड़ी जी, दौरा कोई गल नहीं मुकद्दर नसीब दे नाल मिलता है, पिछले पीएसएल बड़े तुसी दौरे कीते ने कोई बात नहीं, इस बार आप लोगों का दा नहीं लगा, कम से कम मेरिट के ऊपर बात करें, जाति किसी की जो आप बैशिंग करते ना इसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, हक सच की बात करनी चाहिए, प्रूफ के ऊपर बात करें और फिर अगेन जका साहब इनको एक्सपोज करें, खुदा का वास्ता है ये आपके पास मौका है, ये जो जो ब्लैकमेलिंग करते रहे हैं ना खिलाड़ी, ये आवाम और कौम के सामने लाएं, असल चेहरा इन खिलाड़ियों का पता चले, एमए हीरो इनको बनाया हुआ है हमने। अब्बास भाई बिल्कुल ऐसे ही है, और इसके साथ साथ देखें ना जब परफॉर्मेंस का टाइम आता है ना परफॉर्मेंस का, अब वर्ल्ड कप में था आपने परफॉर्म कर रहा था, देखें आप वहां से आप वहां पे आपसे परफॉर्म नहीं हुआ में आप उल्टे लेट गए, आपने वहां पे अपने लोगों से खबरें चलवाई कि तनख्वाह नहीं मिल रही है, आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं मोहसिन भाई, टीम वर्ल्ड कप खेल रही है और उत्तू मैसेज कर रहे हैं तनख्वाह दे बैठिए, बाकी ने तो सारे खिलाड़ी अपने अपने जड़े पंटर ने उन्हें को मैसेज करा रहे ने कि मैसेज करें जी ट्वीट करें खबरें दें कि तनख्वाह, ओ यार आपकी तनख्वाहें रुक जानी, इससे मेंटेलिटी पता लगती है आपकी कि आपका क्रिकेट की तरफ मुल्क की तरफ ध्यान नहीं है, आपका
पैसों की तरफ ध्यान है। आप वहां पे बैठे हुए हैं, वर्ल्ड कप आपकी कैंपेन आधी फारिग हो गई है, पहला मैच हार गए, दूसरा मैच हार गए, फिल्मा दिखाओ, दो जीतने के बाद इंडिया से जब हारे, फिर ऑस्ट्रेलिया से हार गए, फिर अफगानिस्तान से हार गए, उधर कलकत्ता में कहते फिल्में दिखाओ। प्लास्टिक का किंग कहूंगा बस। नहीं, परफॉर्म भी करे उन कंडीशंस में, करे बड़ी टीम के अगेंस्ट करे, नहीं कर सकता। और बड़े मौकों पे करे, जिसके दिमाग के अंदर पैसा और जिसके दिमाग में चालें चल रही हो। वो जका साहब ने वो ऑडियो के अंदर बड़ी जबरदस्त बात की, इधर से कह कर गया है कि मैं सोच के बताता हूँ, और बाहर जाके जो है वो ट्वीट कर दिया है कि भाई ये गेम देखे ना कैसी डालने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये ब्लैकमेल करते हैं। असद अली साहब के हवाले से भी कह रहे हैं कि वो भी बाबर का दोस्त है। जका साहब आप ठीक कह रहे हैं, बाबर साहब इमाम भी बाबर का दोस्त है, इमाम भी उसका दोस्त, ये सारे एक ही एजेंट के जरिए दोस्ती 11 है। दोस्ती 11 है। हां, शुक्र किया, अच्छा किया आपने इस माफिया को एक्सपोज किया, बल्कि ऑटोमेटिकली इस ऑडियो लीक्स के जरिए ये माफिया एक्सपोज हो गए। कोशिश करें कि इस माफिया को किसी इंटरव्यू की सूरत में एक्सपोज करें, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन जरूर एक्सपोज करें। आप बिल्कुल अच्छा काम करें, और जो क्रिकेट को समझने वाले लोग हैं उनके मैं ट्विटर के ऊपर मैसेजेस देख रहा था कि वेल डन जका अशरफ, कि कम से कम आपने क्रिकेट में एक माफिया को एक्सपोज किया। अच्छा, इरफान उल्लाह साहब का मैसेज है, वो कह रहे हैं कि पीसीबी स्टिल हैज नॉट लर्न द लेसन आफ्टर द लॉस इन वर्ल्ड कप, स्टिल नेपोटिज्म इन पॉलिटिक्स इन पीसीबी। आई गेस बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं जी, सही कह रहे हैं। कि नेपोटिज्म तो इस तरह से है ना कि आप दोस्त, आप उस चीज से मतलब बाहर ही नहीं निकल पा रहे। मुझे तो अब इस तरह यकीन, मुझे ये जो लोग कह रहे हैं कि ये बाबर और जानबूझ के परफॉर्म नहीं कर रहे, मुझे तो इस तरह लग रहे हैं जानबूझ के नहीं परफॉर्म कर रहे। नहीं, इनसे होता ही नहीं है। अच्छा भाई, तो तानू की लगता है कोई जरा उनकी क्रिकेट को देखें कि वो उनकी क्रिकेट कहां से कहां चली गई है। बांग्लादेश की क्रिकेट को देख लिया, अफगानिस्तान की क्रिकेट को देख लिया। फरमा रहे हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया का टूर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बेसिकली हनीमून टूर है। सही बात है, 25 साल पहले शादी हुई होगी, हनीमून तो उनके ने एक ही वजह बात यार, ऐसे मुझे ये समझ नहीं आई बस यार। चले, यूएसएफ से वापस आप आए हैं तो आपको गुड टू सी यू बैक कह रहे हैं सर। थैंक यू वेरी मच भाईजान, थैंक यू। साथ क्रिकेट रिपोर्टिंग पसंद कर रहे हैं, बड़े प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं, मुझे अच्छा बड़ा लगा। अच्छा, एक कोई चौधरी साहब हैं, वो कह रहे हैं यार थैंक यू वेरी मच कि किसी ने सौरव गांगुली को भी ड्यू क्रेडिट दिया, वो कल जो हमने बात। भाई सौरव गांगुली इज अ बिग प्लेयर, मैंने तो इंडिया में जाके देखा है कि किस तरीके से वो डाउन टू अर्थ है, सारे इंडियन प्लेयर्स। ओ भाई, कहाँ पे ये इनको आप किंग बना देते हैं तो ये किसी के काबू में नहीं आते। उधर असल किंग तो उधर बैठे हुए, विराट कोहली, केएल राहुल, असल किंग तो इंडिया के अंदर है। असल किंग आप इधर कौन सा किंग है? कहना भी है ना तो फिर ये क्राइटेरिया, ये तो फिर मामूल आपको किंग नहीं, प्लास्टिक किंग। आज के बाद नाम ही प्लास्टिक किंग है, क्योंकि लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि आप उनको प्लास्टिक किंग कहा करें, तो अब मैं प्लास्टिक किंग कहूंगा अब्बास शबीर को और मोहसिन भाई को। इजाजत लेते हैं, इजाजत दे, और कल आपके और ज्यादा सवाल भी शामिल करेंगे इनशाला। और आज तक इंडिया वाला मैच है उस पर भी आपसे बात करेंगे। आज हम आएंगे जी आपके साथ, ये तो प्री मैच हमारी एपिसोड होगी ना, तो आज हम आपके साथ मिड मैच भी आएंगे, आएंगे बिल्कुल जरूर, और लाइव आएंगे, लाइव आएंगे, तो आप भी हमारे साथ जुड़िएगा, वहां पे आपके सवाल लेंगे, तो लाइव जरा क्वेश्चन आंसर सेशन बाजी हो जाएगा, जबरदस्त। इजाजत लेते हैं, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह।